जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वंड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग। सो आज की जो ये रीडिंग है ये है करजात फार्म हाउस के बारे में, और करजात फार्म हाउस के बारे में हम यहाँ पे ये जानेंगे कि क्या करजात में दफन है कुछ राज। तो यही चीज हम जानेंगे, क्या राज है जो करजात फार्म हाउस में दफन है। तो ये एक व्यूअर ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसी का जवाब हम यहाँ पर ढूंढेंगे। और मैं यहाँ पे शाउट आउट देना चाहूंगी स्वास्तिक फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर को, वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर इन इंडिया। आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको फिजियोथेरेपी रिक्वायरमेंट है तो। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और टीम SSR वॉरियर 369 जो है उसका लिंक मैं शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जरूर जाइएगा। अगर आप एक ट्रू SSR वॉरियर हैं और आप सच में चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले, तो प्लीज उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप उसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो ये टीम है SSR वॉरियर की ये और बड़ी होगी, और हम सब मिलकर के वॉइस आउट करेंगे, हम बोलेंगे सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में, और साथ ही साथ जस्टिस की डिमांड करेंगे जो भी हायर अथॉरिटी है उन सबसे। तो यहाँ पर आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग और जानते हैं कि क्या क्या राज दफन है करजात फार्म हाउस के अंदर। ऑलराइट, करजात फार्म हाउस। सुशांत सिंह राजपूत स्पिरिट अगेन विजिबल करजात फार्म हाउस। प्लीज गिव मी मोर क्लैरिटी, व्हाट ऑल इज देयर। ओके, ओवरऑल एनर्जी प्लीज, वन कार्ड इन कंटिन्यूएशन। ओके, तो ये कार्ड्स हमें आए हैं और हम जानेंगे कि करजात फार्म हाउस में ऐसे क्या राज हैं जो दफन हैं, ये हमें आज यहाँ पर जानना है। और यहाँ पे सुशांत की स्पिरिट का जो कार्ड है वो दोबारा आया है, और अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी को वहां पे एग्जीक्यूट किया गया है। एग्जीक्यूट से मेरा मतलब है किसी को मारा गया है, अबेंडन किया गया है, या कुछ ऐसा किया गया है वहां पर डेफिनेटली। और यहां पर ऐसा भी लग रहा है कि जो चीजें हो रही हैं वो किसी एक ऐसे पर्सन के इशारे पे हो रही हैं जो कोई फीमेल है। यहाँ पे कोई फीमेल बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रही है, कोई फीमेल बहुत स्ट्रांगली है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक शेर है जो तलवार से ये छोटे छोटे शीप जो है जैसे इनको बचा रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा राज है जो इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक शेर है और ये बहुत सारे छोटे छोटे से शीप आप देखिए, बच्चे हैं जैसे, और ये इनको बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि आप देखिए ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनको ये नहीं पता इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये बहुत ही मासूम से क्रीचर्स हैं यहाँ पर, लेकिन इनको ये जो पर्सन है जो शेर है यहाँ पर, ये इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई तो है यहाँ पर जिससे ये तलवार से प्रोटेक्ट कर रहा है इनको। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कार्ड के बाद ये आया है, और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो शेर है ये किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप राजा का बेटा यहाँ पे दिख रहा है, और साथ में यहाँ पे चार जो है ये जैसे दुबई के जो होते हैं शेख टाइप वैसे लोग हैं। तो यानी कि इन बच्चों को आप देखिए, जो बच्चे हैं इनको ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, ये यहाँ पे भेज रहे हैं किसी और कंट्री में भेज रहे हैं, और जैसे कि कोई इनको बचाने की कोशिश कर रहा है ऐसा यहाँ पे लग रहा है। सुशांत की स्पिरिट जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली है, और ये चीज यहाँ पर उनको बचाने की कोशिश इन लोगों से की जा रही है। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लड़की आई है, और ये लड़की मुझे कहीं ना कहीं दिशा सालियान की एनर्जी लग रही है। तो यहाँ दिशा सालियान की भी एनर्जी है, और दिशा सालियान की जो एनर्जी है, यहाँ पे एक कार्ड और आया है जैसे पैशन का कार्ड आया है, तो यहाँ हो सकता है दिशा सालियान की हत्या से कनेक्टेड चीजें भी मिल सकती है। राज जो, हाँ जैसा कि मैंने कहा क्या राज है यहाँ पर, तो दिशा सालियान की हत्या से कनेक्टेड भी यहाँ पे चीजें मिल सकती हैं। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो ये कोई पर्सन है जो अबेंडन हुआ है यहाँ पर, और ये जो पार्टी आप देख रहे हो ये पार्टी वही
जो पार्टीज ये ऑर्गेनाइज की गई थी, डार्क, ये देखिए कितने डार्क एंटिटीज हैं यहाँ पर, कितने सारे लोग हैं, सारे बॉलीवुड के लोग यहाँ लग रहे हैं। तो ये जो भी डार्क पार्टी हुई थी, जो जिसमें हर किसी को एंट्री नहीं होती है, ये पार्टी जो है वो इस जगह पे होती है डेफिनेटली करजात में, और यहाँ से काफी लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता है, अबेंडन किया जाता है। अब इस अबेंडन का मतलब क्या है? इस अबेंडन का मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि उनको देश से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाता है या उनको मार दिया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उन्हें अलग कर दिया जाता है जिससे वो खुश नहीं होते, उन्हें अबेंडन कर दिया जाता है। तो इस पार्टी में कुछ है ऐसा, डार्क एनर्जी है और यहाँ पे अबेंडन किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे सालियान दिख रही है, पैशन का कार्ड, यहाँ डेफिनेटली कुछ गलत चीज यहाँ पे दिख रही है। और उसके अलावा हम यहाँ पर देखें तो ये लग रहा है जैसे दिशा सालियान है और ये उसके साथ जो रोहन राय उसका जो फ्रेंड था, फियांसे था, ऐसा भी लग रहा है कि वो उसके साथ उस जगह पे गई थी या कुछ ऐसा, और शायद कई कुछ चीजों से वो अनजान थी लेकिन ये जो पर्सन है ये जानता था। कुछ यहाँ पे अजीब सा जरूर है। तो इसका दिशा की हत्या का राज भी यहीं पर है। और यहाँ पर उसके अलावा और भी कोई है जो अबेंडन हुआ और दिशा की तरफ गया है, ये कोई हो सकता है कोई बच्चा हो, कोई बच्ची हो जो ये एनजीओ में, जो एनजीओ की कोई बच्ची हो जो यहाँ पर दिशा सालियान की तरफ गई इस पार्टी में अबेंडन होने के बाद। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ दिशा हो सकता है उसको बचाने की, दिशा सालियान की एनर्जी हो सकती है जो उसे बचाना चाह रही हो उन बच्चों को यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ये राजा का बेटा दिख रहा है क्लियरली। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे दिशा सालियान वहां से बच्चे को बचाते हुए ये तलवार लेके निकल जाती है। यहाँ पे देखिए बच्चे को बचाते हुए, बच्चों को बचाते हुए यहाँ से तलवार लेके आगे बढ़ती है, मतलब वो वहां से निकलती है। और यहाँ पर जो भी ये राजा का बेटा है ये सबको ऑर्डर देता है। किसको ऑर्डर देता है? ये पुलिस वालों की टीम लग रही है, जैसे कि पुलिस वालों की टीम को ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। अब क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए पुलिस वालों की टीम को देखते हैं। मुझे यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांगली तो यही दिख रहा है कि कोई एनजीओ की कोई बच्चा है जो इस पार्टी से, क्योंकि ये पार्टी का कार्ड है, बॉलीवुड का कार्ड है, यहाँ पे नो एंट्री है, देखिए आप क्रॉस, तो यहाँ डेफिनेटली पार्टी हो रही है। और यहाँ देखिए ये डार्क सा एक, आप ये देखिए यहाँ पे स्टार्स हैं, पूरे डार्क है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी स्टार्स वगैरह आए हुए हैं, गलत इलीगल चीजें यहाँ हो रही हैं। और यहाँ पे ये क्वीन का एक ये है ताज है और ये पोप का क्राउन है, तो यहाँ डेफिनेटली कुछ पार्टी चल रही है और यहाँ पे एंट्री नहीं है सबको, लेकिन यहाँ पे कोई है जो अबेंडन हुआ है। हो सकता है ये एनजीओ की वही बच्ची है जिसकी बात हुई है और उसकी हत्या से कनेक्टेड जो चीजें हैं वो इस फार्म हाउस पर डेफिनेटली है। और वो यहाँ पे दिशा सालियान की तरफ बढ़ती है, लेकिन दिशा सालियान यहाँ पे देखिए फायरी एनर्जी है, तो डेफिनेटली उसके साथ कुछ गलत यहाँ पे होता है। और ये यहाँ पे फादर सन दोनों दिख रहे हैं, आप फिर से देख सकते हैं फादर और सन, ये दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं, तो कुछ ऐसा हुआ। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये है ये रोहन राय ही मुझे लग रहा है और ये दिशा सालियान लग रही है। तो यहाँ दिशा के साथ ये जो कुछ भी होता है, दिशा यहाँ पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिशा जो है इन बच्चों को बचाने की यहाँ कोशिश करती है। सॉर्ड इसके हाथ में है और ये जो लोग हैं ये उसको देखते हैं और यहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है दिशा सालियान को मारने का। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो पर्सन है ये राजा का बेटा है जिसने दिशा को मारने का ऑर्डर दिया, 100% श्योर हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे आप ये जो पर्सन है ये ऐसा पर्सन है कि कोई ऐसा एक्शन लेगा जिसके आसपास के लोग भी हैरान हो जाएंगे। और यहाँ चार लोग ये वही है जो पार्टी में मौजूद थे और इनमें सबका नाम आया है, रिया चक्रवर्ती का भाई था, किसी फिल्म स्टार का भाई था और एक बिल्डर था, ये इन सब लोगों के नाम आए हैं। तो ये वही लोग हैं यहाँ पर और इनके साथ ये भी मौजूद था, यहाँ पापा का जो बेटा है राजा का बेटा ये मौजूद था वहां पर, और इसने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए, ऑर्डर दिए हैं कि ये हमसे फाइट कर रही है, इनको बचाने के लिए इसको मारो। यहाँ पे ये जो तलवार के साथ है ये दिशा सालियान की एनर्जी है और वो बच्चों को बचाने की, एनजीओ के बच्चों को बचाने की यहाँ कोशिश कर रही है। तो इसको ये जो पर्सन है ये ऑर्डर देता है कि इनको मारो। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे दिशा सालियान भी यहाँ से निकलती है सॉर्ड लेकर के आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो ये पुलिस वाले यहाँ पे दिख रहे हैं, पूरी टीम है, इनको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि ये सॉर्ड लेके आ रही है अपने डिफेंस के लिए, बचने के लिए, लेकिन हमको इसकी हेल्प नहीं करनी है। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं पुलिस वालों ने ये हम अभी देखते हैं कि क्या होता है इसके बाद, जब ये पुलिस वालों की तरफ बढ़ती है, क्योंकि दिशा ने 100 नंबर पर कॉल किया था, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये सब चीजें एकदम एक साथ हुई है, देखिए 12 नंबर 12 नंबर 12 नंबर, ये सब एक ही टाइम पर हुई है, फटाफट हुई है। मतलब ये सोचिए यहाँ पे जो है ये दिशा ने बच्चे को बचाया है, उसके तुरंत बाद उसे मारने का ऑर्डर दिया है, लेकिन दिशा वहां से निकली है तलवार लेकर के भागी है। और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए ये कोई पुलिस का ही पर्सन है, खाकी आप कलर देख रहे हैं, और टीम जो है, टीम के जो लोग हैं वो चुपचाप इसकी इंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं और उन्हें फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है हम ये जानते हैं। कार्ड्स प्लीज गिव मी मोर क्लैरिटी ऑन दिस, व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस, प्लीज टेल मी।
एक्चुअली यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं SSR की एनर्जी है, और मेरे को बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी हमेशा जब भी उनकी रीडिंग करते हैं तुरंत आती है। तो यहाँ पर हमें ये जानना है, ये कार्ड्स निकले हैं, ये जानना है कि ये जो पुलिस की टीम है दिशा सालियान जब इनसे फाइट करने निकलती है तो क्या होता है उसके बाद, पुलिस की टीम क्या करती है। कार्ड्स गिव मी जस्ट वन कार्ड एंड गिव मी द क्लैरिटी व्हाट एग्जैक्टली पुलिस करती है इसमें। ओके ये जो निकला है हम इसे लेंगे क्योंकि जंप होके आया है। ओके तो यहाँ पर क्या होता है, जो पुलिस है दिशा सालियान की जो बातचीत होती है उस पर नजर रखती है, दिशा सालियान के फोन को टेप करती है, यहाँ पर डेफिनेटली कॉल इंटरसेप्ट करती है, कॉल को कनेक्ट करती है। दिशा ने सुशांत सिंह राजपूत से जो भी बताया वो उस पर ये पुलिस वाले जो हैं ये या फिर कोई ऐसा पर्सन था जो सुशांत के करीब था उसने नजर रखी और सुना कि सुशांत से दिशा सालियान ने क्या बोला है, और ये बात सुशांत ने अपने किसी दोस्त को भी यहाँ पे बताई है, पर ये सब चीजें ये पर्सन सुन रहा था, ये पुलिस का ही कोई वो था जो उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाता था। तो उसके बाद इन्होंने तुरंत दिशा सालियान की क्या बात हुई है सुशांत के साथ वो इनको पता चलती है। फिर ये क्या करते हैं, जैसे ही इन्हें पता चलता है कि दिशा सालियान की बात हुई है सुशांत के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये सुशांत है जैसे अपनी कोई बात किसी को बता रहे हैं, और यहाँ पे देखिए सुशांत जो थे वो एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा करते थे, हाथ का मूवमेंट बहुत ज्यादा करते थे, तो ये सुशांत की एनर्जी है डेफिनेटली। तो सुशांत को ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि दिशा सालियान जो है वो किसी बच्चे को बचाना चाह रही है और आगे बढ़ रही है, और यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो फिर पूरी नजर रखते हैं, पूरा रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि वो किससे बात कर रही है, और यहाँ पे उनको अपने खुफिया जो ये सूत्र होते हैं, जो ये लोग होते हैं नजर रखते हैं, उनके थ्रू पता चलता है पुलिस को कि वो सुशांत को कुछ बताया है उसने, और वो इन्फॉर्मेशन सुशांत जो है किसी और को बता रहा है, किसी और से पूछ रहा है या किसी अपने दोस्त को बताने वाला है। तो यहाँ पे ये होता है, इसके बाद क्या होता है हम ये जानेंगे। कार्ड्स प्लीज गिव मी मोर क्लैरिटी व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस। उसके बाद यहाँ पे दिशा सालियान को भी मार देते हैं और सुशांत को भी, लेकिन ये जो कार्ड हमें आया है ये सुशांत की एनर्जी से ज्यादा दिशा सालियान की एनर्जी दिखा रहा है, क्योंकि ये भी 12 नंबर कार्ड है अगर आप ध्यान से देखें तो। होता क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक जाती है, लेकिन यहाँ पे ये लोग पहले ही दिशा सालियान को यहाँ मार चुके होते हैं। आप देखिए जो ये पर्सन है ये फर्श पे गिरा हुआ है और इसके सर पे चोट है और इसके पूरी बॉडी जो है वो सुन्न है, तो यहाँ पे दिशा सालियान को मार दिया जाता है। तो ये जो जाती है आगे बढ़ती है, लेकिन उसके बाद इसको सुशांत तक पहुंचने नहीं दिया जाता, ये कांटेक्ट जरूर करती है लेकिन सुशांत तक ये डायरेक्ट नहीं मिल पाती सुशांत से, और इसको पहले ही मार दिया जाता है। और ये होता है फादर और सन की निगरानी में, ये सन है ये फादर है इनको मालूम होता है, तो पहले ही दिशा को यहाँ पे मार देते हैं। 12 नंबर कार्ड है, ये सब चीजें ना एक के बाद एक होती है, इसमें कुछ पता ही नहीं चलता कब हो गया ये, 1-2 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया क्योंकि ये 12 नंबर कार्ड लगातार आया है, और दिशा को यहाँ पे मार देते हैं। लेकिन सुशांत अपने दोस्त से बात करते हैं, उसी दौरान दिशा को मार दिया जाता है। कार्ड्स प्लीज गिव मी मोर क्लैरिटी। और फिर सुशांत को मार दिया जाता है। आप देखिए ये पहिया घूमता है, जो भी ये गाड़ी, मुझे यहाँ पे लगता है सुशांत को किडनैप करके ले जाते हैं या कुछ ऐसा। और फिर यहाँ देखिए जो ये क्रीचर है इसके गले को, ये जो शेर है ये इसको रस्सी से इसके गले को स्ट्रैंगुलेट कर रहा है, उसके बाद सुशांत को मार दिया जाता है। तो ये चीज भी होती है फादर और सन, यहाँ पे सन और फादर दोनों है, इन दोनों की निगरानी में ही ये चीज होती है। तो यहाँ पर दिशा सालियान को जब मार देते हैं सुशांत को, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है, और ये जो पुलिस की टीम है ये डेफिनेटली पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, उसके बिना ये हो ही नहीं सकता। और ये पूरी टीम है, कम से कम 4 लोग जो थे यहाँ पे पुलिस के ही लोग लग रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में ये चीज और डिस्क्लोज हो जाए। तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उसके दोस्त तक पहुंचती है, और उसके बाद सुशांत की इन्फॉर्मेशन जो ये पर्सन है ये पुलिस को देता है। दिशा सालियान को मार देते हैं ये लोग और फिर सुशांत को मार देते हैं। तो अगर हम करजात फार्म हाउस की बात करें तो ये सुशांत की स्पिरिट आज भी उसमें फार्म हाउस में घूम रही है, और वो उन लोगों की उन एक्टिविटीज पे नजर रख रही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो भी वहां हुआ उस पर नजर रख रही है। तो ये चीज मुझे यहाँ पे जाननी थी। तो यहाँ पे करजात फार्म हाउस पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्लियरली है, और वहां पर दिशा सालियान की हत्या से कनेक्टेड भी चीजें हैं, और उसके अलावा सुशांत को मारने की साजिश और दिशा को मारने की साजिश इस पर्सन ने जो रची थी ये वहीं पे रची थी। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर है, यही चीज मुझे जाननी थी। और साथ ही साथ यहाँ पे पार्टीज भी होती है, जो ये पार्टी हुई है इससे जो NGO की बच्ची है जो वहां से निकली है, भाग कर निकली है, उसको भी मारा गया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस फार्म हाउस पे हुई है जो इलीगल है। और ये देखिए ये कंटिन्यूएशन में जो कार्ड है ये एक ऐसा घर दिखा रहा है, एक ऐसा फार्म हाउस दिखा रहा है जो पूरी तरह से हॉन्टेड है। तो यहाँ डेफिनेटली बहुत सारी हो सकता है कि बॉडीज बरेड हैं इसके अंदर। आप देखिए यहाँ पे जो जमीन है ऊंची नीची जमीन है, आप देखिए यहाँ डार्क लग रही है लाइट है, तो यहाँ डेफिनेटली कुछ हो सकता है, इसकी जमीन के अंदर भी कुछ कंकाल मिल सकते हैं,
कुछ लोगों के। और देखिए यहाँ पे सुशांत की स्पिरिट, हालांकि सुशांत की स्पिरिट के कार्ड एक और है जो दूसरा मैंने अभी बताया, पर ये भी सुशांत का ही एक स्पिरिट है जो हमेशा से मेरे को दिखा है। तो यहाँ पे भी सुशांत की नजर है इस फार्म हाउस पे, और इस फार्म हाउस में बहुत कुछ है। अगर ये जमीन को हम ये खोदा जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारे कंकाल मिल सकते हैं। स्पेशली ये जो जगह है यहाँ पे आपको देखिए ऊपर नीचे जमीन है ये, और ऐसी ही जमीन उस फार्म हाउस की भी है। तो यही चीज मुझे यहाँ पे देखनी थी, क्लियर है कि सुशांत की लगातार नजर है इन लोगों के ऊपर, और इस फार्म हाउस में बहुत सारे ऐसे राज हैं जो छिपे हुए हैं। तो बस मुझे यही जानना था, आई होप यू लाइक द रीडिंग। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।